विवाद और गौहत्या पर बीजेपी का डबल स्टैंडर्ड जो है वो सामने आ रहा है। यूपी में चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने यहां अवैध बुचड़खानों पर रोक लगा दी। गुजरात में गौहत्या करने वालों को सख्त सजा देने का एक नियम कानून बना दिया गया। उसके अलावा केरल में बीजेपी के एक नेता ने वोटरों से वादा किया कि अगर वो चुनाव जीत जाएंगे तो लोगों को अच्छा बीफ परोसेंगे और उसका उन्होंने काफी वादे भी किए। 12 अप्रैल को मल्लापुरम विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार एन श्रीप्रकाश ने वोटरों से साफ सुथरे बूचड़खाने अच्छी क्वालिटी के बीफ की सप्लाई करने का वादा किया है। और हैरत की बात तो यह है कि बीजेपी सदस्य ने कांग्रेस पर कई राज्यों में सत्ता में रहने के दौरान गौहत्या पर बैन लगाने का आरोप भी लगाया। श्री प्रकाश ने कहा कि जिन राज्यों में गौहत्या पर रोक लगी है वहां बीफ खाना गैर कानूनी है। दरअसल जिन राज्यों में बीफ पर बैन नहीं है वहां बीजेपी के नेता इस मुद्दे को दरकिनार कर रहे हैं। केरल में गौमांस की बिक्री और उपभोग पर कोई रोक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के हमेशा से दो चेहरे रहे हैं। एक वो चेहरा है जो आरएसएस की शक्ल में पीछे होता है, एक वो चेहरा है जो इलेक्शन लड़ने का काम करता है। इलेक्शन में भी जहां बीफ के नाम पर फ़ायदा होता है वो बीफ को बैन करते हैं, वो बीफ को इस्तेमाल करने वालों को या उसको बीफ गाय को नुकसान पहुँचाने वाले को या उसको मारने वाले को कत्ल करने का मुकदमा बनाने का कानून पास करते हैं। उत्तर प्रदेश में बीफ बैन को लेकर के आप देख ही रहे हैं क्या क्यों। लेकिन दूसरी तरफ अगर उनके अपने ही मेंबर केरला में कह रहे हैं कि आप मुझे वोट दो मैं आपको अच्छा बीफ दूंगा, तो इससे ज़्यादा और क्या शर्मनाक बात हो सकती है। Shriprakash, who is a Malappuram candidate, who has been explained this issue. Only the media has been creating a problem behind this. Otherwise, Shriprakash is very clear about the beef controversy. He only say that wherever the beef or the mutton or a chicken which he has been selling or a slaughterhouse should be according to the rules of the law and the land. He is only saying that we are ready to give the halal food if the Muslim people who is in the Malappuram is interested to eat. That's what he has been explaining. BJP ki kendriya hukumat ke liye bahut bada sawal. इस मुल्क को आप क्या परोस रहे हैं? इलीगल स्लॉटर हाउसेस बंद करिए, लेकिन पूरा विमर्श बीफ पर सिमट कर रह जा रहा है इस मुल्क में और आप दोहरे मानदंड अपनाते हैं। इस मुल्क को बेरोजगारी पे सोचने दीजिए, गरीबी पे सोचे ये मुल्क, स्वास्थ्य और शिक्षा पे सोचे। बीते 15 दिनों में इस मुल्क में हम सिर्फ बात कर रहे हैं बीफ स्लॉटर हाउसेस एंटी रोमियो स्क्वाड, न जाने कौन सा को देश बना रहे हैं हम। और हमारा तो सीधे मानना है कि इस गणतंत्र में जिस तरह के की छवियां आ रही हैं, अगले जन्म में बहुत लोग सोचेंगे कि वो गाय ही पैदा हो, नागरिक ना पैदा हों।